इतने साल प्रधानमंत्री रहने के बाद एक बार मंडल कमीशन का नाम लिए होते, अगर नहीं लिए तो तुम फेक ओबीसी हो, ये बात हम कहने आए। 100% जज, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर आज भी 3% लोगों के कब्जे में है। जय बरनाधन तेली कुम्हारा स्वपच करात कोल कलवारा और मेले जनयो ते हिलदाना, जहां जहां आपके घर में धार्मिक ग्रंथ रखे हैं उन सब की बगल में भारत का संविधान और मंडल कमीशन रख दीजिए, आधा काम उसी समय हो जाएगा। इन झूठे लोगों ने कहा हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा, 26 जनवरी पर एक बार ये भी बोल देते हर घर संविधान और घर घर संविधान। उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। जाति जनगणना का विरोध केवल ब्राह्मण क्यों करता है भाई? देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा ये जलसा किया और देश भर के तमाम लोगों को इकट्ठा करके आज ये आयोजन किया है, उन सभी का आभार। क्योंकि इस देश में आज भी एक बात बोली जाती है देश के कोने कोने में कि जिस दिन ओबीसी जाग जाए उस दिन देश बदल जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस तरह के आयोजन और इस तरह के तमाम खेमे के लोगों को एक साथ बिठाकर एक संदेश तो दिया जा रहा है कि सोया अब तो कोई नहीं है, जाग तो सब गए हैं, अब बदलाव भारत का बहुत दूर नहीं है। मैं इस उम्मीद से इस कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देता हूं। और ये बात इसलिए भी गौरतलब है कि इस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी जिसे एक पहचान के नीचे संगठित होकर के इस मुल्क को बनाने और बचाने की लड़ाई लड़ने का मादा रखती है, उन किसान कामगार कमेरा मेहनतकश आवाम के बीच ये जितनी ओबीसी में आने वाली जातियां हैं ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया है। तो ये दुनिया बर्बाद हो रही है तो बचाने वाले भी आप ही हैं। और इसलिए मैं इस उम्मीद के साथ अपने उन तमाम नायकों और मंच पर बैठे हुए तमाम वरिष्ठ लोग जो बोलकर चले गए या अभी हैं, उन सब को जब सुनता हूं तो बतौर नागरिक मुझे एक गर्व होता है, एक हिम्मत मिलती है कि आज हम जैसे तमाम नौजवान जब इस मुल्क के तानाशाहों के आंख में आंख डाल करके हक हुकूक की बात बेखौफ होकर के बोल पा रहे हैं तो उन तमाम लोगों का संघर्ष शामिल है जिन्होंने हमें यह जगह मुहैया कराई है। अगर ये न लड़े होते तो शायद हमें ये मौका न मिल पाता। उनमें से कुछ तस्वीरें इस पोस्टर पर हैं, कुछ लोग अभी हाल ही में गुजरे समाजवाद के समाजवादी आंदोलन के तमाम नेताओं में से शुमार माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और शरद यादव जी, इन दोनों की स्मृतियों को भी याद करते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी तमाम विरासत के लोग अभी हमारे बीच हैं जिन्होंने जाने कितनी लाठियां खाई, जाने कितने आंदोलन किए, संघर्ष किए, आप सब ने जो लड़ाई लड़ी हमें वो विरासत में मिली है तो हिम्मत भी हमें वो विरासत में मिली है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसका भरोसा और वादा हमें इस आंदोलन से करना है। और मुझे खुशी है सीमा कुशवाहा जी ने जब बोला तो इस बड़ी एका में जो चीजें ज्यादा ध्यान देने वाली हैं उसकी तरफ आपको इशारा कर दिया है। बिना महिलाओं की लड़ाई के हम जब सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख को याद कर रहे हैं, हम महात्मा ज्योतिबा फूले को याद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें याद करने की ईमानदारी भी ये कहती है कि सभागार में महिलाओं की बराबर की संख्या होनी चाहिए वरना हमें फिर से इस पे होमवर्क करना होगा। इसलिए मैं उसको साथ देते हुए, और हमारे बिहार के मंत्री जी हैं और अली अनवर साहब जिस एक दूसरे पहलू को रख करके गए कि ये ओबीसी एकता भी तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक इसमें किसान कामगार कमेरा जातियों में पसमांदा का जिक्र पूरी ताकत से ना हो, इसलिए मैं उनकी भी बात का समर्थन करते हुए तब इसे ओबीसी में एकता को मुकम्मल मानता हूं। और फिर दो तीन मुद्दे, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है, हम लोग तो वैसे भी बहुत कुछ बोल चुके हैं और बोलेंगे इस मंच पर,
जितने भी पूर्व के वक्ता थे उनकी बातों का समर्थन करते हुए। ये ओबीसी एकता इसलिए भी जरूरी है, और इस मुल्क में ओबीसी लोगों आपको भी घर घर जा करके ये बात कहना जरूरी है कि ये ओबीसी महासभा ने जो काम शुरू किया है इसके पहले तमाम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। और सबसे पुराने पहले चले जाइए उन तमाम जातियों के बीच, तथागत बुद्ध से लेकर के कबीर रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद और नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला, इन तमाम कमेरा लोगों ने जो विरासत में बनाया उसे महात्मा ज्योतिबा फुले और शाहू जी ने आगे बढ़ाया, और उत्तर भारत में समाजवादी आंदोलन के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिस दौर में लड़ रहे थे, बिहार में त्रिवेणी संघ बना था और उत्तर भारत में अर्जक संघ, इन सब ने उन कमेरा लोगों को अंधविश्वास, पाखंड और इन सारी चीजों से निकाल करके वैज्ञानिक, तर्कशील, मानवतावाद और समाजवाद के आंदोलन के जरिए एकजुट करने का एक लंबा काम किया है। इसलिए ओबीसी किसी दौर में सोया नहीं था, न अभी सोया है, वो तब भी जगा था और आज भी जगा है और आगे जगा रहेगा। जवाब नंबर एक। अब दूसरी बात, शिकायत फिर ओबीसी से क्यों होती है कि ओबीसी अगर जाग जाए तो ये सब बदल जाए, क्योंकि जब आपकी आबादी इस मुल्क की आधी आबादी से ज्यादा है तो जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा है। ये इसलिए मैं इस बात पर जोर देने आया हूं, अगर आपकी आबादी ज्यादा है और आपके पास मौका है तो आइए एक बड़ी एका बनाएं, और वो बड़ी एका ऐसी एका नहीं होनी चाहिए जैसे इस देश का, मुल्क का निजाम जैसा झूठ बोलता है वैसा झूठ बोल करके हम कोई आंदोलन नहीं कर पाए। जब तक गुजरात का मुख्यमंत्री होने के बाद वो राजनेता महोदय, उनको जाति नहीं याद आई, जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना हुआ तो मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, सेल्फ मेड ओबीसी है वो। असल में अगर ओरिजिनल ओबीसी होते, वो विरासत में वो दर्द पाए होते, वो जोखिम उठाए होते तो इतने साल प्रधानमंत्री रहने के बाद एक बार मंडल कमीशन का नाम लिए होते, अगर नहीं लिए तो तुम फेक ओबीसी हो, ये बात हम कहने आए। और आपसे भी शिकायत, ओबीसी महासभा के लोगों, इसमें मंडल की तस्वीर नहीं है, बीपी मंडल की तस्वीर इसमें होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद उस शख्स ने इन बिखरी हुई 3743 जातियों को एक पहचान दिया ओबीसी, और आज चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तो को भी बताना पड़ रहा है कि हम ओबीसी हैं। तो ये अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी विरासत से जुड़िए, आधा काम यही हो जाएगा। और इसलिए कह रहा हूं मंडल का नाम लेना क्यों जरूरी है इस मुल्क के निजाम को। आप कहते हो कि ओबीसी हैं तो मंडल की बात इसलिए हम कर रहे हैं, हमारे अतिथि महोदय बोल कर गए, बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया तो हिंदू कोर्ट बिल के बाद ओबीसी कमीशन न गठित किए जाने का एक बात कह कर के गए थे। अफसोस, इस मुल्क के ओबीसी घरों में बाबा साहब भी देर से पहुंचे हैं, लेकिन अब पहुंच रहे हैं, और इसमें ओबीसी महासभा जैसे तमाम संगठनों की जरूरत, और उस मंडल की जितनी अनुशंसाएं बची हैं वो हमारी लड़ाई का हिस्सा होना चाहिए। 27% आरक्षण तो दबाव में दिया गया था, मंडल कमीशन की अनुशंसा कह रही है 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल था। इस देश का ओबीसी प्रधानमंत्री अगर वाकई ओबीसी है तो पहली घोषणा यह करे कि मंडल कमीशन की केवल 2 सिफारिशें लागू हैं। आज की डेट से इस मुल्क में 52%, और 52% क्यों भाई, ये तो 1931 की जनगणना और 1977 और 80 में रिपोर्ट, 1991-90 में लागू, 2021 में 2000 जो जनगणना होनी थी, कम से कम 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना करके गिनो कि हमारी आबादी कितनी है, और जितनी आबादी है फिर उतने आरक्षण की घोषणा करो, तब हम मानेंगे कि तुम ओबीसी हो, वरना फेक ओबीसी रहोगे। इसलिए केवल ये बात मैं जोर देकर के कहने वाला हूं कि हम लोगों के बीच जाएंगे तो ये मुद्दा कैसे समझाएंगे, क्योंकि फिलहाल ये कार्यक्रम कन्विंस को कन्विंस करने का हो रहा है, हम सब जागरूक लोग हैं। तो मंडल कमीशन के अनुशंसा में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन,
प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है तो इस मुल्क के 99% प्रोफेसर, 99.99% जज, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर आज भी 3% लोगों के कब्जे में है। इसलिए हम कह रहे हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, और जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन दोगे तब मानकर चलिए कि ओबीसी की ऐसी लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो जाति जनगणना और मंडल कमीशन के सिफारिश लागू करना। और आखिरी बात, ये कॉलेजियम सिस्टम जज बने बैठे हैं, मैं बात कह रहा हूं, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। 1986 का वक्त था, महात्मा ज्योतिबा फुले हंटर कमीशन के सामने वो बात हो रही थी किसानों की दशा क्या है। तो उन्होंने पहले बार ये किया कि किसानों का चोला पहना, एक फटा पुराना कुर्ता, एक बहुत मैला सा कंबल, और ऐसे ही चले गए, गेट से घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई आप कहाँ आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि किसानों का सम्मेलन हो रहा है, हमें किसानों की बात कहनी है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन, तब तक पहचान गए लोग कि अच्छा आप ज्योतिबा फुले हैं। तब उन्होंने जाकर उस कमीशन के सामने एक बात कही थी, ये सारे लोग जो भरे पेट और अच्छे कपड़ों में बैठे हैं इन्हें पता ही नहीं किसानों का दर्द क्या है, आपको ये बताने के लिए कि किसान होता क्या है मैं इस लिबास में आया हूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं किसान कितना दर्द सह करके वो जीवन जी रहा है, और ये भरे पेट वाले उनका दर्द क्या बताएंगे। इस मुल्क को अगर बचाना है ओबीसी महासभा के लोगों, तो ओबीसी को तो एकजुट करना ही करना, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। जब भारत बर्बाद होगा, संविधान बर्बाद होगा, तो कितनी भी बड़ी जाति की महासभा होगी एक दिन उसका भी नंबर आएगा। इसलिए जाति के सम्मेलनों से तो ये बचाव नहीं होने वाला, छतरी तो एक ही बनेगी और वो ओबीसी की बनेगी। और जब आप ओबीसी के नाम पर लोगों को एकजुट होंगे तो अपने आप आपको अपने कुछ भाई नजर आएंगे, जिन्हें जैसे जाति के नाम पर ओबीसी बनाकर प्रताड़ित किया गया, वैसे इस मुल्क में इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं जो जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप दर्द का रिश्ता आपका उनसे बनेगा, इस देश के दलितों से बनेगा, और 90% लोगों की एकजुटता अपने आप बन जाएगी। इसलिए मैं आपको बधाई देते हुए, अगला कार्यक्रम किसी दिल्ली, बंबई, लखनऊ और भोपाल में मत करिएगा, अगला कार्यक्रम किसी गांव चौराहे पर करिएगा। हम सारे लोग आएंगे और इसमें से बहुत सारे लोग चलेंगे, 90% को एक करना है, और इसके जिम्मेदारी ओबीसी महासभा की है। और यह बात बाबू जगदेव प्रसाद और जगदेव बाबू ने क्या कहा, पहले डॉक्टर लोहिया ने, सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, उस नारे को आगे बढ़ाकर जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा ने क्या कहा। और आखिरी जाते आते टिप्पणी करना जरूरी समझता हूं, जब जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा रामचरित मानस भी सामने आएगा। और भाटी साहब चले गए, अरसे बाद समाजवादियों के बीच अतुल जी बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने ऐसे ऐसे लोगों को हराया है कि वो किसान कामगार कमेरा की आवाज़ क्या होती है ये यहाँ बैठे हुए हैं। और भाटी साहब चले गए, मैं उनके सामने ये बात बोलना चाह रहा था, वो बात ये है कि एक तरफ लेफ्ट राइट सेंटर सब में एक ही जाति का प्रवक्ता, एक संघ विचारक और एंकर भी उसी जाति का, सब मिलकर के कह रहे हैं इस मुल्क के भावना आहत हो गई, हिंदुओं की भावना आहत हो गई। ओबीसी महासभा के लोगों, एक सवाल आपसे पूछना और इस मंच के सवाल को गांव गांव ले जाना, जय बरनाधन तेली कुम्हारा स्वपच करात कोल कलवारा और मेले जिनयू ते हिलगाना और पूजी विप्रशील गुण हीना सूदन गुनगन ज्ञान प्रवीणा, इनमें जितनी आभीर जातियों का स्वपच किराक कोल कलवारा, इन सारी जातियों के नाम पर जो बात कही गई है, क्या इन जातियों की भावना कोई भावना नहीं है क्या, भावना केवल 3% लोगों की है। इसलिए ये बात जाते जाते अपने अपने ओबीसी समाज के लोगों को 2-3 चीज से बचा लीजिएगा। पहला, सांप्रदायिक दंगा, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल और केवल अपने हक हुकूक जल जंगल जमीन और संपत्ति की हिस्सेदारी, 1% लोग 40% कब्जा किए हुए हैं और 50% लोग 3% पर गुजारा कर रहे हैं, और इसको अगर बढ़ा दीजिए तो 10% लोगों के पास इस देश की 90% संपत्ति है और 90% लोग 10% पर गुजारा कर रहे हैं। जाति जनगणना का सवाल इसलिए जरूरी है कि पहचान खुलकर सामने आ जाए कि वो 10% कौन है और ये 90% कौन है। इसलिए जाते जाते गुजारिश
कोई सांप्रदायिक दंगा और मंदिर मस्जिद की लड़ाई इस मुल्क के कमेरा 90% लोगों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि वहां हमें अपमानित किया गया है और उस अपमान को हम बोले भी ना। हमसे कहा जा रहा है कि भावना आहत कर दिया। भावना कबीर साहब ने आहत की है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या भरा हुआ खुदा है, और पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने कम भावना आहत की है क्या? अरे जिस पुरखे का नाम ले रहे हो ओबीसी समाज के लोगों, आपसे केवल एक गुजारिश, जहां जहां आपके घर में धार्मिक ग्रंथ रखे हैं उन सब की बगल में भारत का संविधान और मंडल कमीशन रख दीजिए, आधा काम उसे समय हो जाएगा। मंडल कमीशन और भारत का संविधान अनुच्छेद 51A कहता है कि हम भारत के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे, और इस देश के टीवी मीडिया पर बैठकर यहां बोला जा रहा है कि एक बाबा जो किस्मत बता रहा है वो चमत्कार कर रहा है, पूरे देश को अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार के वारिसों, आपके ऊपर जिम्मेदारी केवल अपनी जाति और अपने लोगों को बचाना नहीं है, इस मुल्क को बचाना है, क्योंकि इस मुल्क को हमारे पुरखों ने बनाया है। ये बर्बाद कर रहे हैं। आप बताइए, अपने दोस्त को अमीर बनाया और कल को उसका शेयर गिर गया और वो भी कोई फ्लाइट पकड़ करके विदेश भाग गया तो क्या होगा? और इसलिए इस देश को बेच दिया है। हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पाखंड की लड़ाई नहीं है, अंधविश्वास की लड़ाई नहीं है। घर घर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पहुंचाइए, घर घर भारत का संविधान पहुंचाइए, और जिस तरह से इन झूठे लोगों ने कहा हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा, 26 जनवरी पर एक बार ये भी बोल देते हर घर संविधान और घर घर संविधान। और इस महासभा में जाते जाते केवल एक गुजारिश, आइए इस मुल्क को, एक बार रथ चला था ना मंडल के विरोध में कमंडल का, पहचानो भाई, बिहार के मंत्री बैठे हुए हैं, जाति जनगणना की घोषणा हुई तो विरोध में कौन आया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जाति जनगणना के विरोध में कौन आया? झारखंड में जब आरक्षण बढ़ाकर 77% किया गया है, राज्यपाल किसका है जो सिग्नेचर नहीं कर रहा है? छत्तीसगढ़ में जब आरक्षण SC ST OBC तीनों का बढ़ाया गया तो आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? यहां आएंगे तो कहेंगे मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मैं फकीर आदमी हूं, और आपके आरक्षण का विरोध ये सारे वही लोग कर रहे हैं जो आपको हिंदू बनाने आते हैं, ये आपके आरक्षण के विरोधी हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी और ये सारे लोग पूरे देश में गालियां दें, एक मुकदमा नहीं होगा। और इस मुल्क में स्वामी प्रसाद और शिक्षा मंत्री बिहार चंद्रशेखर पर मुकदमा होगा, जो बोलेगा उस पर मुकदमा होगा। तो भाइयों एक बात सुनो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत आजाद हुआ तो लोग सत्ता में बैठे और राम मनोहर लोहिया नहर रेट आंदोलन के लिए सड़क पर लाठी खा रहे थे, उन नायकों को आपने तस्वीर में लगाया है। केस मुकदमा ये आपसे कभी आपकी आवाज नहीं रोक पाएगा। कबीर कबीर ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशीराम, ये मुकदमे और जेल से डर गए होते तो आज हम उनको याद नहीं कर रहे होते। आपको आखिरी बात केवल गुजारिश, नकारात्मकता तो देखिए बहुत है, मैं भी चाहता तो यहां आपको बहुत सारी कमियां गिना देता कि ओबीसी में ये कमियां है, अरे बहुत कमियां है, फिर भी गुंजाइश इतनी है कि अगर न्यूनतम सहमति पर भी बृहत्तम एका बना लेंगे ये मुल्क अपने आप बचा लेंगे। इसलिए कमियों की बात मैं नहीं कर रहा, और वसीम बरेलवी का शेर पढ़ के जा रहा हूँ, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। ऐसे लोगों को पहचानिएगा जो लिबास आपकी जाति का पहनकर आएंगे, आपके ओबीसी का पहनकर आएंगे, आपके दलित का पहनकर आएंगे। पसमांदा, और बीजेपी चिंता कर रही है पसमांदा की, एक तरफ लिंचिंग, एक तरफ मस्जिद पर हमला और दूसरी तरफ पसमांदा को हक, एक तरफ सारे सरकारी संपत्ति बेच दो, जाति जनगणना की मांग इतनी ताकतवर हो गई कि जनगणना ही नहीं करा रहे। अरे ये डरपोक लोग हैं, थोड़ी हिम्मत और बढ़ाइए, सारी मांग आपकी मान लेंगे। इसलिए पहचानिए, कुल्हाड़ी में लगी लकड़ियों की वजह से जंगल की लकड़ियों को समझाया जाएगा कि ये कुल्हाड़ी में लकड़ी तुम्हारी जाति की तो है, अहिर कुर्मी कोइरी। मैं आपको कहने आया हूं इस देश में गाली किसने बनाई कि अहिर गणरिया कुर्मी चोर धर टंगरी तोर, ये किसने गाली बनाई? किसी मुसलमान ने बनाई क्या? किसी दलित ने बनाई क्या? किसी आदिवासी ने बनाई क्या? और किसने ये विरोध किया कि बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से,
उनके भी मेरे प्रिय कवि हैं तुलसीदास, लेकिन जहां गड़बड़ है वहां प्रिय नहीं है। मैं कहूंगा कि आपने वर्ण व्यवस्था स्थापित की, आपने इन जातियों के खिलाफ बोला है और मैं इस मांग पर कायम हूं। और जाते जाते कुल्हाड़ी की व लकड़ी की पहचान को अपनी पहचान से जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी अतुल भाई बोलेंगे तो समझ में आएगा, लोगों को बदनाम किया, किन जाति के लोगों का थाने में वर्चस्व है, सब लूट लिया। ओबीसी का सारा हक अहिर कुर्मी कोयरी ने लूट लिया, इन्होंने इनका लूट लिया। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं जाति जनगणना करा दो, पता चल जाएगा कितना लूट लिया। इसमें तुम क्यों विरोध में आ जाते हो? जाति जनगणना का विरोध केवल ब्राह्मण क्यों करता है भाई? अगर यादवों ने कुर्मी कोयरी ने ज्यादा, क्योंकि पता है ज्यादा लूटा नहीं है, कितने वाइस चांसलर, कितने जज, कितने वकील, कितने डॉक्टर इंजीनियर अहिर कुर्मी कोयरी के बन गए भाई। आपको जो लड़ता है ना सबसे पहले उसे बदनाम किया जाता है, इसलिए ताकि बाकी जातियों को कहा जाए अब उधर कुछ नहीं मिला इधर आओ। तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को कहा गया कि बहुत कुछ मिलेगा इधर आओ, राम मंदिर की आड़ में नींव की ईंट वही बने हैं, सब कुछ लूटा आपका भी जाएगा। जाते जाते गुजारिश, शरद यादव को याद करते हुए मैं कह रहा हूं, इसी सम्मेलन में मैंने पहली बार शरद यादव को सुना, नेताजी को सुना। नेताजी उस समय के नेता, जब राम मंदिर आंदोलन मंडल के विरोध में कमंडल, तो उन्होंने हिचक नहीं दिखाई। संविधान पर जो खतरा बनकर आए थे उन तमाम आतताइयों पर गोली चलवाई थी, इसलिए हम उनके विरासत को याद करते हैं। और लालू जी, उन्होंने उस आतताई दंगाई रथ को रोका था। हम कमजोर नहीं है, हाँ वो ताकतवर जरूर हो गए हैं। आइए मिलकर के सांप्रदायिकता के खिलाफ, और आदिवासी इलाके में जितने लोग हैं, यही आनंद राय जी आए हुए हैं, और मध्य प्रदेश के ओबीसी साथियों आपको तो अच्छे से पता है वहां कितने ओबीसी पर शोषण हो रहा है, आदिवासी पर शोषण हो रहा है, दलितों पर शोषण हो रहा है, सारा शोषण हम सहें और भावना आहत भी हम ना करें। साहब तैयारी कर लो, अब हम तैयार होकर आए हैं। बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार के वारिस, जितना भावना आहत गुलामगिरी ने नहीं किया, जितनी भावना आहत एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने नहीं किया, उसकी आधी भी भावना अगर हम आहत कर दिए तो ये मुल्क 90% कमेरा लोगों का बन जाएगा। इसलिए शरद यादव को याद करते हुए कह रहा हूं, अब हमें नाक छोटी करनी होगी और दल बड़ा करना होगा। हम सबकी नाकें लंबी हो गई, अगर कटेगी तो किसी की नाक नहीं बचेगी, इसलिए आइए दल बड़ा करें। जिसकी संख्या ज्यादा है दो कदम पीछे आ जाए, और जो हमसे पीछे रह गया उसको कंधे पर बिठा कर आगे ले जाएं, कोई हमारी एकता नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए जाते जाते गुजारिश, अब इस ओबीसी महासभा का सम्मेलन गांव गांव हो, हम हर जगह साथ में खड़े रहेंगे, और फिर एक सम्मेलन कराइएगा ओबीसी महासभा, आदिवासी संगठन और दलित संगठनों को मिलाकर कराइएगा, 90% लोगों का संगठन, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर बचाएंगे। ये मुल्क हमारे पुरखों ने बनाया, हम उसे बचाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें नालायक न समझें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।